Class 220 डी थी ये वाली। इसके अंदर हम स्क्रीन लगा रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन यहाँ पे लगेगी, मॉनिटर आ रहा अभी, ठीक है। तो अभी प्लास्टिक के टूल से इसे खोलेंगे। ये प्लास्टिक का टूल है इसका, इससे यहाँ पे ऐसे लग के खुलेगा, ठीक है। और इसकी वायरिंग के जो कनेक्शन होंगे वो भी दिखा देता हूँ। तो इसका जो पीछे का पैनल है ये भी खोलेंगे तो दिखा देता हूँ। ये सबसे पहले जो है हम नीचे की तरफ आएंगे तो ये ना इस तरीके से लगा होता है यहाँ पे, इस तरीके से, तो ये ऐसे खींच जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद इसको थोड़ा नीचे को स्लाइड करना, ये आराम से निकल जाएगा। तो ऐसे स्लाइड करना है, निकल गया हमारा ये पूरा कवर, इस तरीके से दबता है ऐसे ऊपर को और नीचे को स्लाइड हो जाता है ऐसे। पहले ये दबेगा ऐसे, फिर नीचे को स्लाइड होगा, ठीक है। ये वाली स्क्रीन थी, इसकी वायरिंग निकली है, ठीक है। ये वायरिंग यहीं पे आ जाएगी और बाकी ये स्क्रीन निकलेगी। दो स्क्रीन है इसमें, एक राइट की एक लेफ्ट की। मॉनिटर ये फुल एंड्रॉयड है और इसके कुछ फिटिंग भी है, फिटिंग भी दिखा देता हूँ। ये फिटिंग है इसकी, इसमें छाटेंगे कौन सी फिटिंग लगेगी। अभी इसकी ज़रूरत नहीं, इसका काम हो चुका है। तो अभी क्या करेंगे, ये डायरेक्ट है हमारा स्टीरियो जो सॉकेट होता है हमारा पावर आउटलेट का, वहाँ से चलाने के लिए। और इसमें ऑन ऑफ का बटन होता है, अगर लाइटर से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं करना है, हार्ड वायरिंग नहीं करनी। तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं, इसे बाहर रख देता हूँ मैं। इसकी स्क्रीन है, ठीक है, चेक कर लेते हैं इसे अनबॉक्सिंग करके। ये स्क्रीन लगेगी ऐसे, इस तरीके से। तो एक चीज़ है, ये जो फिटिंग है ना इसकी, ये 14 mm की लगी है इसमें। ये देखो, इसमें 14 लिखा हुआ दिख रहा होगा, दिखा देता हूँ एक बार। ये 14 लिखा हुआ दिख रहा है इसमें, 14 है, ठीक है। इसके साथ एक गिरी, ठीक है। और ऐसी दूसरी साइड की भी निकलेगी, इस तरीके से लगेगी फिटिंग, ठीक है। तो सेम ऐसे 14 नंबर की दूसरी फिटिंग में से भी निकाल लेते हैं। ये एक और 14 नंबर आ गए, दो तोड़ लिया, ये भी निकाल लिया। तो ये दूसरी वाली फिटिंग भी आ गई, एक इस साइड की हो गई, एक इस साइड की हो गई। तो ये भी रख देता हूँ यहाँ पे, इसको कर देता हूँ साइड, इसकी ज़रूरत भी नहीं अब। तो सबसे पहले इसको ऐसे ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। ये स्क्रीन आ गई हमारी सीधी, इस तरीके से हो गई, ठीक है। इसके अंदर फिटिंग है, पहले बटन दबेगा ऐसे, ये खुल गया और ये लगेगा कुछ इस तरीके से, ऐसे फिटिंग हो जाएगी इसकी। सेम दूसरी साइड भी ऐसी लग जाएगा ये, ठीक है। और ये हो जाएगा ऐसे लॉक वहाँ पर जाने के बाद। तो ये फिटिंग भी इस तरीके से ही लगेगी, दिखाया तो ये थोड़ा पुल्स होगा, अच्छे से ऐसा आएगा। फिर इसको दबाएंगे, ये आ गया, ये लॉक हो गया यहाँ पे, ये लॉक हो गया यहाँ पे। बाकी स्क्रीन अभी अंदर इस तरीके से लग जाएगी, ये इस तरीके से लग जाएगी अब। इसमें ऑप्शन भी निकालने का, ये देखो, ये इस तरीके से इसकी फिटिंग होगी। ठीक है, और ये ऐसे लॉक हो जाएगा, यहाँ पे लॉक सिस्टम है, ये देखो बना हुआ है यहाँ पे। तो अभी हम इस तरफ कर देंगे, लॉक हो गया, अभी बाहर नहीं निकलेगी। तो ये स्क्रीन इस तरीके से लग चुकी है अभी ये। बाकी इसकी वायरिंग भी यहाँ पे निकल चुकी है अंडरग्राउंड पूरी। ये आ गया यहाँ पे सॉकेट इसका, ये सॉकेट आ गया हीरा। वायरिंग भी हम थोड़ा हाइड कर देते हैं इसे, इस तरीके से।